मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, टूडे वी शैल लर्न देर आर सम रूल्स इन नरेशन। मीन्स नरेशन में कुछ ऐसे रूल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारा पास्ट टेंस पर रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पर चेंजेस होता है। बट ये चीज, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, यह जो रूल्स है, इन जगहों पे फॉलो नहीं होगा। कि जैसे कोई हैबिचुअल चीजें हो, कोई आदत, किसी आदत को प्रकट करने वाला कोई सेंस हो, कोई सेंटेंस हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है यूनिवर्सल द ब्रह्मांडीय सत्य, जो ब्रह्मांड में सत्य है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में उगता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में छिपता है। मीन्स ऐसी चीजें जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल हो, आदत को प्रकट करता हो, प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत हो। जैसे टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो मिलकर के कितने बनते हैं, चार बनते हैं। ठीक। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब मीन्स होता है कहावत। प्रोवर्ब मीन्स जैसे अ बैड कारपेंटर ऑलवेज क्वारल विद हिज टूल्स, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। मीन्स टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम मीन्स समय, एंड टाइम मीन्स ज्वार भाटा, किसी का इंतजार नहीं करता है। तो ऐसे जो प्रोवर्ब होंगे, ऐसे जो सिद्धांत होंगे, ऐसा जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा और जो हैबिचुअल आदत को प्रकट करने वाला सेंटेंस होगा, उसका टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो लेट अस टेक अ एग्जांपल हियर। यहाँ पे एक हम उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। सपोज ये डायरेक्ट हम लोग का है सेंटेंस, मदर सेड, माँ कही। सेड मीन्स क्या है, ये आपका पास्ट टेंस में है। इट मीन्स यदि यहाँ पर रूल ये कहता है कि पास्ट टेंस में यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है तो ये रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजेस होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं होगा। क्योंकि ये जो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ये प्रोवर्ब है, मीन्स प्रोवर्ब नहीं है, ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है कि हकीकत सी बात है कि ईमानदारी से बढ़कर कोई अच्छा साधन, अच्छी नीति, अच्छा तरीका, अच्छा कदम नहीं होता है। इट मीन्स यहाँ पर इज है तो हम इसको वाज या वर में चेंज नहीं करते हैं। तो हम यहां लिख लेंगे मदर, इनडायरेक्ट बनाने के लिए मदर सेड, और कंजंक्शन क्या करेंगे, दैट ये करेंगे, क्योंकि दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन दैट। कंजंक्शन मैंने आपको बताया था, द वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस आर टू सेंटेंसेस। एक ऐसा शब्द जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को और दो उपवाक्यों को जोड़ता है, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। तो असर्टिव में हम कंजंक्शन दैट यूज करेंगे। अब यह है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अभी हम इज का चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि एक सिद्धांत को बता रहा है कि ऑनेस्टी जो है, ऑनेस्टी जो है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो सेम चीज को हम कॉपी कर देंगे यहां पे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ELICY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये टेंस में चेंजेस नहीं हुआ, यहाँ पे इज था, यहाँ पर भी इज ही होगा। टेक अ सेकेंड एग्जाम्पल हियर, दूसरा अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस में इसको लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल है द गुरु सेड, गुरु जी ने कहा, गुरु ने कहा, क्या कहा, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही क्या है, पूजा है, ये सिद्धांत है। सही बात है कि कर्म करेंगे, कर्म ही क्या है, पूजा है, जो हमारा जो अपना दायित्व तो बनता है, यदि हम उसको करते तो उससे बड़ा कोई वर्शिप नहीं है, ये तो सत्य बात है। तो यहां पर भी टेंस का चेंजेस नहीं होगा, यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड है तो पास्ट टेंस में है, तो रूल ये कहता है कि इधर के टेंस में चेंजेस होना चाहिए। बट यहाँ पर टेंस का चेंजेस इज जो प्रेजेंट में है, ये पास्ट में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या है, ये सिद्धांत को प्रकट कर रहा है या हकीकत को प्रकट कर रहा है कि कर्म ही क्या है, पूजा है। मीन्स सेम चीज कॉपी कर लेंगे, द गुरु सेड, द गुरु सेड, कंजंक्शन का हम यूज करेंगे, यहाँ पे दैट, दैट हो जाएगा। और सेम चीज क्योंकि ये सत्य बात है, तो यहीं पे लिख देंगे वर्क इज वर्शिप, कर्म ही क्या है, पूजा है, फुल स्टॉप, या डबल इन्वर्टर का वहां पे जो आ जाएगा, फट जाएगा। ये रहा दूसरा एग्जांपल, इसमें भी टेंस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि सत्य बात थी,
एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तीसरा, ये डायरेक्ट में है। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा? द सन, सूरज राइजेस, उगता है इन द ईस्ट, पूरब दिशा में, सूर्य पूरब दिशा में उगता है। तो उगता था, उगता है, उगता ही रहेगा। इट मीन्स यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, ब्रह्मांडीय सत्य है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ भी जो ये एस एस है प्रेजेंट इंडिफिनिट को शो कर रहा है कि आपका पास्ट इंडिफिनिट पर चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूर्य का पूरब में उगना, सूर्य का पश्चिम में छिपना, ठीक, धरती को अपने एक्सिस पे घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाना। कोई अगर हिस्टोरिकल इवेंट भी है कि इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम ऑन इन, ऐसा बोलेंगे कि इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम ऑन 15th अगस्त 1947, भारत को अपनी जो आज़ादी मिली 15th अगस्त 1947 को मिली। तो ये है हिस्टोरिकल ट्रूथ, ऐतिहासिक सत्य है, तो ऐतिहासिक सत्य को भी हम चेंजेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, ही सेड, यहाँ पे लिख लेंगे हम, यहाँ पे ही सेड पास्ट टेंस में है, रूल तो यह था कि चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं चेंज होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ब्रह्मांडीय सत्य है। तो यहाँ पे कंजक्शन हम क्या कर लेंगे, दैट, और जो एक कैपिटल लेटर आपका रहता है यहाँ पे स्मॉल लेटर हो जाएगा, यहाँ पे द लिख लेंगे। ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस, सूर्य उगता है इन द ईस्ट, ईएसटी, फुल स्टॉप। तो ये था कुछ एग्जांपल्स। तो ये याद रखेंगे, हैबिचुअल आदत को प्रकट करने वाला यूनिवर्सल ट्रूथ, ब्रह्मांडीय सत्य, जो ब्रह्मांड में सत्य है उस बात को, प्रिंसिपल किसी सिद्धांत को वो शो करता हो, प्रोवर्ब किसी कहावत को, किसी लोकोक्तियों को वह प्रकट करता हो, या इन यहाँ आगे जोड़ लेंगे यहाँ पे हिस्टोरिकल ट्रूथ, कर लेंगे यहाँ पे हिस्टोरिकल ट्रूथ, जो ऐतिहासिक सत्य को भी बताता हो, तो अगर हमारा वो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा तो उसके टेंस को चेंजेस नहीं करेंगे। और ऐसे ही ढेर सारे आप बुक से एग्जाम्पल लेकर के पढ़ेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू।